बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज के एक अपडेट। अपडेट ये है कि भाई मदीना शरीफ से एक अच्छी यानी कि खुशी की खबर सामने आ रही है। मस्जिद कुबा को लेकर जो मेरे भाई सऊदी अरबिया में या मदीना शरीफ में मौजूद है, आपको पता है मस्जिद कुबा मदीना शरीफ में मौजूद है। मस्जिद कुबा के मुतल्लिक काफी अच्छी न्यूज सामने आ रखी है, वो आप भाई के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर भाई पहले आपको मस्जिद कुबा के मुतल्लिक दो तीन चीजें बता दूं कि मस्जिद कुबा इस्लाम की भाई सबसे पहली मस्जिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना के लिए हिजरत की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर कुछ बोलते हैं 8, कुछ बोलते हैं 12 दिन और कुछ बंदे बोलते हैं 24 दिन, यानी कि इन दिनों में किसी भी एक दिन यानी कि 12 दिन या 8 दिन या 24 दिन क्याम किया है वहां पर और अपने हाथों से इस मस्जिद को बनाया था। छोटी सी मस्जिद बनाई थी, अभी माशाल्लाह इसको काफी बड़ी बना दिया गया है। और इसके मुतल्लिक खुशी की खबर यह आ रखी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लम ने यहां पर, मैं आपको भाई ये बात क्लियर कर दूं पहले ही, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतल्लिक ये फरमाया था कोई भी ऐसा मुसलमान जो अपने घर से भाई बावजू होकर मस्जिद कुबा में आए और यहां पर 2 रकत नमाज नफल पढ़े उसको एक उम्रे की सादत यानी कि एक उम्रे के बराबर उसको भाई यहां पर 2 नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये मैं आपको भाई क्लियर कर दूं, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी। इस मस्जिद में 2 रकत नफल पढ़ने का सवाब भाई उम्रे के सवाब के बराबर है। सऊदी अरबिया में खासकर मदीना शरीफ में बसे हुए मेरे भाई इसके मुतल्लिक खूब जानते हैं, तो बात कर लेते हैं। ये भाई इस वायरस के चलते हुए मस्जिद कुबा बंद की गई थी, यानी कि बाहर से तो आप इसकी ज़ियारत कर सकते थे लेकिन अंदर ना तो वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी और ना ही इसको ओपन किया जा रहा था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा भी खोल दी गई है यानी कि नमाजियों के लिए। आप भाई ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। जैसा कि पहले इसको बंद रखा गया था लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा मदीना शरीफ वो भी खोल दी गई है।